Assalamu alaikum. Today we are going to discuss types of matrices. Row matrix. बहुत आसान है. The matrix which has only one row. ऐसे matrix जिसकी सिर्फ एक row. आपको पता है row क्या होती है, columns क्या होते हैं. ये row है, एक row है, इसकी भी एक row है. The matrix which has only one row is called a matrix. ऐसी matrix जिसकी सिर्फ एक row हो, row matrix कहलाती है. इसी तरह से column matrix. The matrix which has only one column is called a column matrix. जिसका एक column हो, column इस तरह से होता है. ठीक है, एक column है. इसके अंदर देखें row थी, row में two elements सॉरी भी row थी, three elements सॉरी भी row. मैंने आपको एक दो example दिए हैं, तो आपने ये दो example दे दिए. तो इसी तरह से column matrix है. तो column matrix क्या होती है? The matrix which has only one column is called a कॉलम मैट्रिक्स. देखिए इसका एक कॉलम है, इसमें टू एलिमेंट्स दिए हुए हैं, उसमें थ्री एलिमेंट्स दिए हैं, थ्री एंट्रीज एलिमेंट्स दिए हैं, लेकिन कॉलम एक ही है. ये रो मैट्रिक मैट्रिक्स नहीं हो सकती. क्यों रो मैट्रिक्स नहीं हो सकती? कि इसके अंदर रोज दो हैं, इसके अंदर रोज थ्री हैं, तो ये कॉलम मैट्रिक्स. फिर है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इसका मतलब है कि अगर जिसके एलिमेंट्स में रोज और कॉलम्स की तादाद इक्वल ना हो, तो वो रेक्टेंगुलर शेप हो जाएगी. देखें द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स. ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, इज कॉल्ड अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है. फॉर एग्जांपल ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस. देखिए आप इसके अंदर इसकी रोज कितनी है, 1, 2, 3. कॉलम कितने हैं, 1, 2, 3 रोज 1 कॉलम. तो नंबर रोज और कॉलम्स की नंबर बराबर नहीं है, रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है, तो ये कौन सा होगा, रेक्टेंगुलर. यहाँ भी देखें रोज कितनी है, 1, 2, 2 रोज कॉलम्स, 1, 2, 3. अब यहाँ भी नंबर बराबर नहीं है, तो ये कौन सी, जहाँ नंबर बराबर ना हो तो वो होती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. नेक्स्ट है स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स तो मतलब है स्क्वायर. देखिए ये रेक्टेंगुलर, मैंने आपको शेप तक बताया कि ये रेक्टेंगुलर शेप होती है और ये शेप होती है स्क्वायर. तो यहाँ जाहिर सी बात, ये भी रेक्टेंगुलर शेप है और ये भी रेक्टेंगुलर शेप है. तो क्या होगा स्क्वायर में, क्या होगा इसमें, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे. यानी अगर यहाँ पर यहाँ दो हैं तो यहाँ भी रोज अगर दो हैं तो कॉलम्स भी दो होंगे. तो ये ऐसे स्क्वायर शेप में क्या होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए. द मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स. उसकी भी दो मिसालें यहाँ आपने आपको एग्जाम्पल दी हुई है कि 1, 1 ये इसके अंदर क्या है कि 1, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं. 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, 2 रोज 2 कॉलम्स. नंबर रोज की भी और कॉलम्स की भी नंबर बराबर. इसी तरह से यहाँ पर 1, 2, 3 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 1, 2, 3 3 रोज 3 कॉलम्स. नंबर सेम है, नंबर इसकी तादाद जो है कॉलम्स की और रोज की बराबर हो, वो होती है स्क्वायर. एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट हम देखते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स. नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? द मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज, तमाम एलिमेंट्स जीरो हों, तो वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है. सिंपल है. द मैट्रिक्स इन विच ईच ऑफ एंट्रीज, जिसमें सब की सब एंट्रीज में इज जीरो जीरो हों, इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स. नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाता है. फॉर एग्जाम्पल एक मिसाल है, एक इसके अंदर एंट्री है जीरो है, ये भी नल या जीरो मैट्रिक्स होगा. इसी तरह से इसके अंदर 4 एंट्रीज हैं, सब की सब जीरो हैं, तो ये भी नल या जीरो मैट्रिक्स होगा. ये तीसरा है, इसके अंदर 6 एंट्रीज हैं, सब की सब जीरो हैं, ये भी नल या जीरो मैट्रिक्स. तो जहाँ पर सिंगुलर हो वहाँ मैट्रिक्स लिखना है अपने, इस कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स. यहाँ पर बहुत सारे हैं, तो यहाँ मैट्रिसेस आप लिखेंगे, आप नल और जीरो मैट्रिसेस.
मैट्रिक्स की प्लूरल होती है मैट्रिसेस। अब है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है? जिसमें उसके रोज को कॉलम में और या कॉलम को रोज में तब्दील कर दिया जाए। द मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स इन विच द रोज आर इंटरचेंज इन टू कॉलम, जिसमें रोज को कॉलम में चेंज कर दिया जाए और कॉलम्स आर इंटरचेंज इन टू रोज, या कॉलम्स को रोज में आपस में इंटरचेंज कर दिया जाए, इज कॉल्ड द ट्रांसपोज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। वो गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू 2 3 4 7 2 3 2 3 ये रो है, इसको मैंने बना दिया कॉलम 2 3। दूसरी रो थी 4 7, इसको भी मैंने कॉलम बना दिया 4 7। तो रो को कॉलम में अगर हम डिलीट कर देंगे तो वो फिर उसे लिखते हैं ए, से बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए, उसके ऊपर स्मॉल डी, ए के ऊपर स्मॉल डी। ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए, ये मैट्रिक्स ए का ये ट्रांसपोज होगा। अब ये नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? ये होता है कि अगर मैट्रिक्स में, किसी भी मैट्रिक्स में जो उसकी एंट्रीज हैं या एलिमेंट्स हैं, अगर उन सब एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाए, अगर माइनस है तो प्लस कर दिया जाए और अगर प्लस है तो माइनस कर दिया जाए, तो उसे बोलते हैं नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स इन विच द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज आर चेंज, ऐसा मैट्रिक्स जिसके जिसके तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर दिए जाते हैं, इस कॉल्ड द नेगेटिव ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, वो दिए हुए मैट्रिक्स का नेगेटिव कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल इफ ए इज इक्वल टू दिस, देन माइनस ए क्या होगा? नेगेटिव इसे बोलते हैं, माइनस ए को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ वेक्टर ए। इसका क्या बनेगा? हमने ए के साथ यहाँ पर माइनस लगाया तो इधर भी माइनस हम लगा देंगे और वही वैल्यू लिख देंगे 2 3। उसके बाद इस माइनस को आपने इन मैट्रिक्स के अंदर शिफ्ट कर देना, इस मैट्रिक्स को, इस माइनस साइन को इस मैट्रिक्स के अंदर आप शिफ्ट करेंगे तो ये क्या होगा? हर ए के साथ साइन इनका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ 2 है तो हो जाएगा -2, ये 3 है तो हो जाएगा -3, -4 है तो हो जाएगा +4, और ये -1 है तो ये हो जाएगा 1, ये 2 है तो -2, ये +1 है तो -1 हो जाएगा। तो उसे लिखते कैसे हैं? अगर ए है तो उसे हम लिखेंगे माइनस ए। सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? इसके लिए ज़रूरी है कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो, यानी स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिसके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम। नंबर ऑफ रोज कितने हैं? 2 1 2, कॉलम्स भी 2 हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है वो उस वक्त सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है कब? इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज, अगर वो अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। क्या मतलब ट्रांसपोज? अभी हमने पढ़ा ट्रांसपोज क्या होता है। ट्रांसपोज होता है कि हम रोज को कॉलम में, कॉलम्स को रोज में चेंज कर दें, तो उसे बोलते हैं ट्रांसपोज। अगर रोज और कॉलम, रोज को कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में चेंज करें फिर भी वही आए, फिर भी वही आए, तो वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मसलन ये देखेंगे, फॉर ये है इसकी रो, ये दूसरी रो है, मैंने इस रो को कॉलम में चेंज करना है, 4 3 है, इस तरह लिखा हुआ, मैं इस तरह लिखूंगा 4 3, ये लिखेंगे 4 3। अब ये वाली रो है 3 2 3 2, रो है इसको कॉलम में कन्वर्ट करूंगा, ये लिखा इस तरह लिखूंगा 3 2 3 2, ये लिख दिए। अब देखिए इसमें कोई तब्दीली आई, 4 3 3 2 4 3 3 2, कोई तब्दीली नहीं थी, मतलब ये उसी के बराबर है, ठीक है। उसका हमने, इसका हमने ट्रांसपोज लिया। ट्रांसपोज कैसे लिया? इनके रोज और कॉलम्स को इनकी जो रोज और कॉलम्स थी वो हमने इंटरचेंज कर लिया, आपस में हमने तब्दील कर ली। उसके बावजूद वो वही रहा, उसमें कोई तब्दील नहीं आई, उसका जो ट्रांसपोज था वो उसी के बराबर रहा। हमने कहा इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स है,
स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये जो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं कब, इफ इट इज इक्वल टू द ट्रांसपोज, अगर ये अपने ट्रांसपोज के इक्वल हो। इसका हमने ट्रांसपोज लिया, हमने रोज और कॉलम्स की को चेंज कर लिया, फिर भी देखा तो ये इसके इक्वल है, 4 3 4 3 3 2 3। कैसे हमने चेंज किया फिर देखें, ये रो 3 4 3, तो मैंने इसको यूं लिखा, इधर 4 3 यूं लिखा, यूं थी तो यूं लिखा 4 3, ये भी रो थी 3 2, इसको भी मैंने कॉलम में यूं लिखा 3 2, इसको भी मैंने ये 3 2 लिखा, यूं करके लिखा। तो क्या हुआ, इसका जो ट्रांसपोज है उसके मैट्रिक्स के बराबर है, अगर ट्रांसपोज उस उनकी जो तरतीब है रोज को मैट्रिक्स में और मैट्रिक्स को रोज में तब्दील करने के बाद भी अगर वो ही आ रहा हो, उसमें कोई तब्दीली ना आए, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो उसे लिखते कहते हैं कैसे हैं, फॉर एग्जाम्पल ए इज इक्वल टू दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स से आपको पता है दो टू इसकी रोज हैं, टू कॉलम्स हैं, तो रोज और कॉलम्स की तरफ सेम है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन ट्रांसपोज ऑफ ए, इस हमने ट्रांसपोज लिया, ट्रांसपोज क्या लिया हमने, रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर दिया, विच इज इक्वल चेंज किया फिर क्या हुआ, विच इज इक्वल टू इस टू मैट्रिक्स से चेंज किया फिर भी वो मैट्रिक्स ए के बराबर था, दैट इज ट्रांसपोज ऑफ ए इज इक्वल टू ए। हमने जो एक ट्रांसपोज ऑफ ए लिया वो इस ए के बराबर है, तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये आज का आपका ये लेसन था, कल हम एक दो और एक इसकी डेफिनेशंस हैं वो करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट।